फ्रेंड्स मैंने काइन मास्टर ओपन कर लिया है। यहाँ पर क्रिएट न्यू में सिलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट दबा के हमें अपना जो पहला वीडियो है उसको अपलोड कर देना है। फ्रेंड्स मैंने पहला वीडियो अपलोड कर लिया। अभी हमें यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, तो लेयर में सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट जाके लिख देना है जो लिखना है हमें। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लिया। अभी हमें क्या करना है, फॉन्ट में जाके, तो मैं इसको रोबोटो ब्लैक कर देता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा खींच के थोड़ा बड़ा कर देना है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके मिडिल तक ले आते हैं। दोस्तों अभी हमें क्या करना है, फिर से लेयर में जाके यहाँ पर जाना है हैंडराइटिंग, और हैंडराइटिंग में यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करने के बाद ये स्क्वायर का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए, और ये जो वाक लिखा हुआ है इसको पूरी तरह से कवर अप करवा दीजिए। के ओके दबा देने के बाद फिर से आप ये हैंडराइटिंग पर क्लिक करिए, और यहाँ पर अल्फा कैपेसिटी से थोड़ा कम करके आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से कवर हुआ है या नहीं। ठीक, क्या करना है, हैंडराइटिंग को पूरी तरह से फुल वीडियो तक हमें बढ़ा देना है। एक की एनिमेशन यूज करना है, तो चलिए पहला की एनिमेशन यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या करना है, हमें धीरे धीरे इसको आगे लेते जाना है, और जैसे जैसे वो आगे जाएगा एक एक की एनिमेशन ऐड होते जाएगा। देखिए मैंने जैसे जैसे की एनिमेशन ऐड करते जाऊंगा इसमें आप देख सकते हैं। और दोस्तों बात यह सा है कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही माइन्यूट वाला काम है, इसको करते वक्त आपको बहुत ही माइन्यूटली ये काम करना पड़ेगा, वरना ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो दिखने में बहुत ही ख़राब लगता है। तो चलिए मैं जैसे करता हूँ आप थोड़ा वैसे ही करते जाइए। दोस्तों अभी यहाँ पर हमें ओके दबा देना है, और हमें क्या करना है, यहाँ पर हैंडराइटिंग में जाके यहाँ पर जो अल्फा कैपेसिटी है इसको फुल कर देना है। ओके दबा दीजिए। तो दोस्तों अभी हमें एक काम करना है, ये जो मेन वीडियो है इसका ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डिलीट कर देना है, और यहाँ पर हमें फिर से मीडिया में जाके एक इमेज क्लिक करना है। दोस्तों मैंने एक बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट किया और इसको खींच के ये जितना लेयर्स है उतना साइज तक करवा देना है। दोस्तों अभी हमें क्या करना है, हैंडराइटिंग में जो ओवर लेयर में कर रहा था ये देखिए ये जिस कलर का होगा, जैसे कि ये ब्लू कलर का है, ये बैकग्राउंड हमें उसी कलर का करना है, तो ये ब्लू कलर हम करवा देते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको सेव कर देना है। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं। फ्रेंड्स अभी हमें बैक करके जाके फिर से क्रिएट व्यू में सिलेक्ट करना है, और 16:9 सिलेक्ट करके नेक्स्ट दबा देना है, और यहाँ पर जाके अपना जो वीडियो है उसको फिर से अपलोड कर देना है। दोस्तों मैंने वो वीडियो फिर से अपलोड कर लिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर लेयर में जाके अभी जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किए थे उसी वीडियो को यहाँ पर एज ए लेयर अपलोड करवा देना है। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको एज ए लेयर अपलोड करवा दिया है, तो इसको खींच के फुल स्क्रीन कर दीजिए, और यहाँ पर जाके क्रोमा की यूज़ करके यहाँ पर एनेबल करवा दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो ऑलमोस्ट हो गया है, आप देख लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ऐसा आपको अगर कोई और वीडियो देखना है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए मुझे किस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो बनाना है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।